दिल से सोनू ही वो अपने सास ससुर का बहू है, बहू थी और बहू ही रहेगी। सोनू के सास ससुर जो है विकास के माँ बाप तेरे को एक्सेप्ट नहीं किए हैं बहू के रूप में, तू बाहर वाली है ठीक है, और बाहर वाली ही अब तक रहेगी। तू भले चीख चीख के तू चिल्ला चिल्ला के क्यों ना अपने आप को खत्म कर दे, मगर समाज तेरे को नहीं एक्सेप्ट करेगा और सास ससुर तो तेरे को कभी भी घर में कोई हिस्सा ही नहीं देंगे। तू बोलती है ना तू 14 साल से तो विकास जी का कमाई खा रही है ना, सोनू कभी भी जिक्र नहीं किया कि मेरे को विकास जी पैसा नहीं देते, मेरे को विकास जी का पैसा चाहिए। सोनू दो पैसा कमाए, सोनू के सास ससुर दो पैसे में इसको रखे या 4 पैसे में इसको रखे, जैसे भी थी वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी। अब बात करती हूँ कि वो बोल रही थी कि सोनू भाग गई थी उस मुद्दे पे, बेशरम औरत पिंकी, थोड़ा भी तेरे अंदर थोड़ा भी शर्म होता ना तो तू इस बात को बोलने से पहले तू 1000 बार सोचती कि मैं किसके करेक्टर को नीचा गिरा रही हूँ, उस औरत को जो औरत अपना पति मेरे साथ शेयर किया, मेरा अपना पति को खुशी खुशी मेरे को कुर्बान कर दिया मेरे ऊपर कि तू जा जा तू जी ले बेशरम, तू जी ले अपनी जिंदगी। दोस्तों आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं माफ़ी मांगती हूँ और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही ओपिनियन दीजिएगा। जो कुछ मैं आज बोलने वाली हूँ ना आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप विकास जी को गलत क्यों नहीं बोल रही हो, विकास जी को गलत क्यों नहीं बोल रही हो, सिर्फ पिंकी को ही गलत क्यों बोल रही हो। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि आप सिर्फ सोनू को ही सही क्यों बोल रही हो, सरासर गलती सोनू का है। सोनू का अगर गलती नहीं होता तो क्या सोनू का पति विकास दूसरे जगह जाके मुंह मारता, इस तरीके का कमेंट आ रहा है। इसमें गलती जो है विकास का है, तो विकास का गलती बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ गलती है विकास का यहाँ पर तो सिर्फ सोनू के साथ धोखेबाजी किया है। रही बात पिंकी के साथ, तो पिंकी के साथ मिस्टर विकास कोई गलती नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि सोनू यहाँ पे गलत नहीं है। सोनू ने भी प्यार किया था और पिंकी ने भी प्यार किया था, मगर सोनू ने प्यार किया था ऐसे शख्स से जो शादीशुदा नहीं था, मगर बाद में वो इंसान ऐसा निकल जाए तो एक लड़की का किस्मत ही है। उसके किस्मत में शायद उसको पति का प्यार नहीं था, मगर यहाँ पे सोनू सही है और सोनू पहली पत्नी है, पहली पत्नी रहेगी, समाज भी उसको एक्सेप्ट किया है, सोनू को सास ससुर भी एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे घर की बहू है ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ पिंकी ही लव मैरिज करके कोर्ट मैरिज किया है, सोनू का भी कोर्ट मैरिज हो रखा है। पहले लव मैरिज किया था मंदिर में जाके, मगर जब इस औरत की सातिर चाल सोनू को पता चला तो सोनू ने भी रजिस्टरी शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज। तो सोनू पहली पत्नी है, समाज की नजरों में भी, ससुराल के नजरों में भी, हर जगह सोनू पहली पत्नी है। और पहली पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी को होना पिंकी वही है, उसको क्या बोलते हैं पिंकी वही है ठीक है। सोनू घर वाली है, पिंकी बाहर वाली है। सोनू को हमेशा ससुराल में रखा गया है, पिंकी हमेशा बाहर बाहर ही रही है, उसको कभी भी ससुराल में लाया नहीं गया, मेहमान की तरह आया मेहमान की तरह गई, वो बाहर वाली ही है। रही बात पिंकी से, मिस्टर विकास बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है, पिंकी को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। धोखा दिया है तो सिर्फ सोनू को, क्योंकि सोनू के साथ शादी करने के बाद भी मिस्टर विकास जो है पिंकी के साथ अफेयर में थे। सोनू को बेटी पैदा होने के बाद और एक बच्चा पेट में था,
बेटी पैदा हो गई थी और बेटा पेट में था 3-4 महीने का, तब जाके सोनू को पता चला कि मेरा पति जो है, मेरा पति का किसी से अफेयर चल रहा है। मगर यहीं पे मैं बात करूंगी पिंकी की, तो पिंकी को जब विकास जी से प्यार हुआ था तो पिंकी को सब कुछ पता था। विकास जी शादीशुदा है, विकास जी का बच्चा भी है, विकास जी की पत्नी भी जिंदा है। सब कुछ जानते हुए भी पिंकी ने बोला मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं शादी करूंगी। क्योंकि पिंकी जो है सिर्फ विकास जी से प्यार करती थी, यही सच्चाई आप सब जानते हैं ना। मगर पिंकी का अब वीडियो जो आया है, उस वीडियो को आधार पे आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ा रुपया भैया बड़ा ने, बोलते नहीं कहावत कि भैया बड़ा ने भौजी बड़ा, सबसे बड़ा रुपया, कुछ ऐसे ही कहावत है ना। तो पिंकी बहुत बड़ी लालची औरत है, ठीक है, बहुत बड़ी लालची है, जूठन खोर है, चलाक लोमड़ी है। वो 14 साल से सोनू का पति को अपने पास रखा और विकास जी भी खुशी खुशी पिंकी के साथ ही रहते थे। पिंकी को जायदाद धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ पिंकी को क्या चाहिए था, बस हमारा पति हमारे साथ रहे, पिंकी को बस इतना ही चाहिए था। फिर आज क्यों आंसू बहा रही है पब्लिक के सामने कि मेरे बच्चे का हिस्सा नहीं मिल रहा है? नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे बच्चे का हिस्सा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से तुम्हारा चरित्र दिखाया है, तुमने अपना चरित्र को, अपने करेक्टर के बारे में जिस तरीके से प्रदर्शित तुमने किया है ना, पहले तुमने सोनू का करेक्टर को गिराया कि वो किसी के साथ भाग गई थी, तब विकास जी हमारे साथ शादी रचाए थे। बेवकूफ औरत, मक्कार, कम से कम कुछ तो झूठ बोलते समय कुछ तो असलियत बोलती, बेशरम औरत। सोनू का बेटी हो रखी थी, सोनू का बेटी पैदा हो रखी थी, ठीक है, और बेटा जो है पेट में था, होने वाला था एक बच्चा। ये बेवकूफ पिंकी क्या बोलती है, मेरे सामने हुए हैं बच्चे, दोनों बच्चे, शर्म कर ले थोड़ी सी भी, अगर तेरी अंदर हया और शर्म इज्जत है ना, तो थोड़ी शर्म कर ले और कुछ सच्चाई बोल लिया कर। अब फिर से मैं तेरे को यही बोलूंगी, तू पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या बोलते, तू वही है। अब तू तेरा ना हरकतें भी यही दिखा रहा, तू पहली वीडियो में जो कंट्रोवर्सी तूने क्रिएट किया, पहली वीडियो में तू क्या बोल रही है, विकास जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं विकास जी से बहुत प्यार करती हूँ, अगर हमें एक दूसरे से अलग करोगी तो हम ना, मैं जी पाऊंगी ना विकास जी जी पाएंगे। फिर तो दूसरी वीडियो मारती है, नहीं पहली वीडियो में फिर बोलती है कि मेरे बच्चे से अलग मत करो, मैं अपने बच्चे के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगी, कोर्ट तक जाऊंगी, कानून का सहारा लूंगी, यही बोल रही थी ना। बेशरम कहीं की, तेरे अंदर ना कुछ भी मतलब शर्म नाम चीज नहीं है। पहले तू दूसरे का करेक्टर, पहले तू खुद के करेक्टर को गिराती है, ठीक है, फिर सोचती है मेरे करेक्टर से कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो सीधी लड़की से तू इसकी करेक्टर की बात करती है। वो सीधी लड़की इतनी सीधी है कि तुझे अपना पति खुशी खुशी दे दिया, तूने इसका पति छीना, तूने इसका पति चोरी किया, चोरी इसको बोलते चोट्टी, चोरनी, ठीक है, तू पति चोर है, ठीक है, तू वही औरत है, घिनौनी औरत है। और तू बोलती है ना कि मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं किए, हाँ तू अगर हर चीज से तू अनजान होती, अगर विकास जी तुझे धोखा देते, अगर विकास जी अपना असलियत नहीं बताते कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है, तब तेरे को विकास जी धोखा देते। मगर यहाँ पे विकास जी जो है पिंकी को धोखा नहीं दिए, सिर्फ विकास जी सोनू को धोखा दिया है। क्योंकि जब पिंकी से अफेयर चल रहा था तो सोनू को दूर दूर तक पता नहीं था। और ये औरत तो बोलती है कि सोनू के बच्चे का दादा दादी का प्यार मिल रहा है, नाना नानी का प्यार मिल रहा है, मेरे बच्चे को तो
ना दादा दादी का प्यार मिला, ना ही नाना नानी का प्यार। तेरी हरकतें ही ऐसी है, तेरी ऐसी हरकतें ही है कि तेरे को कोई भी प्यार, तू किसी का प्यार के लायक ही नहीं है। पहला नंबर तो तू ए है, तू गिरी हुई नालायक बेशरम औरत है, ठीक है, बेशरम पिंकी। तो इसलिए मैं विकास जी का ज्यादा नाम नहीं ले रही हूँ पिंकी के पक्ष के तरफ से, क्योंकि पिंकी को विकास जी धोखा नहीं दिए। अब ये औरत इतना चालू बन रही है, सोच रही है कि सोनू से तो इसका पति मैंने बहुत ही छीन लिया, सोनू ने कुछ नहीं बोला, इतनी सीधी है, इसको तो जैसे घुमाऊंगी ऐसे, जैसे निचोड़ूंगी ऐसे निचड़ा जाएगी। पिंकी को ये समझ रही थी, अपने पैरों के नीचे मसलने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ कहीं की, तेरे पास तेरा पति है तो तू अपने पति को लेकर रहना। जिस तरीके से सोनू अपना पति को 14 साल तेरे साथ, तेरे को दे दिया ना, तेरे साथ शेयर किया ना, तू अभी भी शेयर कर ले, उसको कोई एतराज नहीं है। बेशरम, इसको कोई एतराज नहीं है। सोनू का इतना बड़ा दिल है, ठीक है, तेरे जैसे नहीं कि काला दिल लेके वो आई है। सकल सूरत तो तेरा ठीक ठाक है, गोर है, मगर दिल बहुत काला है। सोनू काली है मगर दिल की बहुत साफ है, साफ सुथरी है, समझी। जिससे भी वो रिश्ता बनाती है दिल से बनाती है, मगर तू सेल्फिश है, सिर्फ अपना मतलब के लिए रिश्ता बनाती है। अभी जो तू विकास जी को बोल रही है ना कि अगर मेरे बच्चे को जायदाद में, प्रॉपर्टी में, या मेरे बच्चे को हक नहीं मिलेगा तो मैं विकास जी से तलाक ले लूंगी, तो यहाँ से तेरे को तो साफ साफ दिख रहा है कि तू बहुत बड़ी लालची थी, तू विकास जी से प्यार नहीं किया था, तू सिर्फ विकास जी के पैसे से प्यार कर रही थी, विकास जी के धन संपत्ति से तू प्यार कर रही थी। तू ऐसी बेशरम औरत है, नालायक औरत है, तेरे को सिर्फ विकास जी से प्यार था ना, तो तू विकास जी से प्यार कर। 14 साल से तू विकास जी को अपने पास लेके रखी है ना, पिंकी के पास, सोनू के पास तू जाने नहीं देती है। सोनू 14 साल से अपने सास ससुर के पास है, 14 साल से अपने सास ससुर का ध्यान रख रही है, 14 साल से अपने सास ससुर का सेवा कर रही है। तू बता, तूने अपने सास ससुर के लिए अब तक क्या किया है, तूने क्या किया है अपने सास ससुर के लिए? बस मेहमान की तरह जाना, मेहमान की तरह आना, वही काम तूने किया है। अब जब तूने शादी किया था तो तेरे को सास ससुर भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। पिंकी तेरे को बोल रही हूँ, तू इतनी नालायक है कि जब तू शादी किया था तो ना ही तुझे सास ससुर का आशीर्वाद मिला, ना ही तेरा माँ बाप का प्यार मिला। तेरे माँ बाप भी तेरे को लात मार के बाहर निकाल दिए, और सास ससुर भी तेरे को बाहर, तो अंदर गई ही नहीं, ससुराल में तो तू गई ही नहीं। बाद में भले तेरा सास ससुर, चल भाई कैसे है तो नालायक है मगर कुछ भी है, चल मेरी बेटी की बहू है, आ जा, रात गुजारने के लिए तेरे को रख दिए, दे दिए, ठीक है, मगर दिल से सोनू ही वो अपने सास ससुर का बहू है, बहू थी और बहू ही रहेगी। सोनू के सास ससुर जो है विकास के माँ बाप, तेरे को एक्सेप्ट नहीं किए हैं बहू के रूप में। तू बाहर वाली है, ठीक है, और बाहर वाली ही अब तक रहेगी। तू भले चीख चीख के, तू चिल्ला चिल्ला के क्यों ना अपने आप को खत्म कर दे, मगर समाज तेरे को नहीं एक्सेप्ट करेगा, और सास ससुर तो तेरे को कभी भी घर में कोई हिस्सा ही नहीं देंगे। तू बोलती है ना, तू 14 साल से तू विकास जी का कमाई खा रही है ना, सोनू कभी भी जिक्र नहीं किया कि मेरे को विकास जी पैसा नहीं देते, मेरे को विकास जी का पैसा चाहिए। सोनू दो पैसा कमा, सोनू के सास ससुर दो पैसे में इसको रखे या 4 पैसे में इसको रखे, जैसे भी थी वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी। अब बात करती हूँ कि वो बोल रही थी कि सोनू भाग गई थी उस मुद्दे पे। बेशरम औरत पिंकी, थोड़ा भी तेरे अंदर थोड़ा भी शर्म होता ना तो तू इस बात को बोलने से पहले तू 1000 बार सोचती कि मैं किसके करेक्टर को नीचे गिरा रही हूँ, उस औरत को जो औरत अपना पति मेरे साथ शेयर किया, मेरा अपना पति को खुशी खुशी मेरे को कुर्बान कर दिया मेरे ऊपर, कि तू जा जा, तू जी ले बेशरम, तू जी ले अपनी जिंदगी। उस औरत के तू करेक्टर गिराने के लिए चली थी,
को अगर पता चले अचानक से एक बेटी हो रखी है, 2-3 साल की बेटी अगर हो जाए, तब जाके उसको एक औरत को पता चले कि मेरा पति का कहीं और अफेयर चल रहा है। अचानक से सोचो कि उस औरत के ऊपर क्या बीतने लगी होगी, क्या बीत रही होगी कि मेरे साथ क्या हो गया। अब सब लोग, ये बेशरम एक खुद बोल रही थी कि मेरे को सोनू जो है धन्यवाद कर रही थी, थैंक यू बोल रही थी कि मैंने इसका डिवोर्स रुकवा दिया। सुअर, दूसरा औरत होती ना, अगर विकास जी की सच्चाई जानती ना कि विकास जी का बसा बसाया घर में बर्बाद कर रही हूँ, तो दूर से ही बाय बाय टाटा विकास जी को कर देती। मगर तू इतनी गिरी हुई नालायक चलाक लोमड़ी, तुच्छ है, तुच्छ औरत है तू, इतनी घटिया औरत है, इतनी घटिया औरत है कि मैं और गंदा नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं बोली हूँ ना, तू इतनी घटिया है, तू बहुत ज़्यादा घटिया औरत है कि तुझे सब कुछ जानते हुए भी तूने विकास जी का घर बर्बाद किया। एक औरत का तूने घर बर्बाद किया जिसका एक बच्चा है गोद में, 3-4 साल का बच्चा है, तब जाके तूने विकास जी से शादी किया। तू इतनी घटिया औरत है। अब तुझे घर में तुझे हिस्सा देगी सास ससुर? वो सास ससुर अपनी बहू की तकलीफें देखी है, वो बहू जिसका एक बच्चा हो रखा है, उसका पति कहीं और जाके अफेयर चला रहा है, उसको अचानक से पता चलेगा तो वो औरत अपने आप को सबसे पहले उसकी नजर में मौत ही सामने आता है कि मैं अपने आप को ही खत्म करूँ, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मेरा इतना अच्छा चरित्र नहीं है, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति दूसरी जगह जाके मुंह मार रहा है। वो औरत सबसे पहले खुद से अपने सवाल पूछेगी। मगर उसका क्या गलती, जब आदमी ही ऐसा गंदा निकल जाए तो उस बेचारी का क्या गलती है। तो सास ससुर का सिंपैथी तो उस बहू के साथ होगी ही होगी जो बहू का सास ससुर अपने शुरू से सारा दुख तकलीफें से देखा है कि मेरी बहू पति होते हुए भी उसको पति का प्यार नहीं मिल पा रहा है, मेरा पोता पोती को बाप होते हुए भी उसको बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो उस सास ससुर को सोनू से प्यार नहीं होगा, सोनू के बच्चे से प्यार नहीं होगा, तो बेशरम नालायक घटिया औरत क्या तेरे से प्यार करेगी वो सास ससुर? तू बहुत बड़ी लालची है, तेरी वीडियो से अब साफ साफ पता चल गया कि तू विकास जी से शादी तू सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि तेरे को विकास जी से प्यार नहीं था, विकास जी के धन संपत्ति से प्यार था। तो तू नालायक औरत है, बेशरम है, घटिया औरत है, जाहिल गवार है। वैसे तो देखने में तू पढ़ी लिखी है मगर जिस तरीके से तूने कांड किया है ना, एक बसा बसाया औरत का तूने घर बर्बाद किया है ना, ये पढ़ी लिखी जाहिल गवार का ही एक काम होता है। जो इल्जाम तूने सोनू के ऊपर करेक्टर के ऊपर लगाई थी ना, भगोड़ी साबित किया था ना उस औरत को जो इतनी सीधी थी। जब तेरा पहला वीडियो आया ना तभी मुझे शक हो गया कि जो औरत अपना पति को 14 साल शेयर कर सकती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, 14 साल शेयर कर सकती है या हमेशा के लिए तेरे को सौंप दिया, वो औरत अचानक से अपने पति से कैसे डिवोर्स दिलवा सकती है? मुझे फर्स्ट टाइम में ही तेरे ऊपर शक हुआ था। अब मुझे सोनू का सिंपैथी है, सोनू के तरफ से मुझे सिंपैथी है क्योंकि सोनू के साथ विकास जी ने गलत किया है, और तुम्हारे तरफ से कुछ भी सिंपैथी नहीं है इसलिए क्योंकि तू विकास जी का सारा असलियत जानती थी, इसलिए तू बहुत ही घटिया नालायक बेशरम दूसरी नंबर की औरत है, बाहर वाली तू औरत है। तू पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी का क्या नाम देते हैं, तू वही औरत है। मुझे तेरे से इतना मुझे गुस्सा आता है कि अभी तुझे प्रॉपर्टी में जायदाद में हिस्सा चाहिए। दोस्तों सपना, सोनू का सास ससुर जो है,
सोनू के बच्चे का नाम प्रॉपर्टी कर दिया है। इस नालायक औरत को अचानक से पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गया पिंकी का, कि अब मेरे साथ क्या हो गया, अब तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया, ने मैं घर के रही ना घाट के रही। बेशरम औरत तू, जिसके साथ जिसका पति होता है ना वो सब जगह का होता है, ठीक है, तेरे पास पति था और तूने अपने पति को भी लात मार रही है कि मुझे पति नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे बच्चे का हक चाहिए। अब इससे तू गंदी और क्या हो सकती है, एक आदमी को भी तू नीचा दिखा दिया। इसीलिए विकास जी दोनों का जिंदगी बर्बाद नहीं किया है, एक औरत का बर्बाद किया है, वो है सोनू। सोनू के साथ गलत किया है, अन्याय किया है, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तूने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, समझी, बेशरम गई की। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मगर ये औरत इसी के लायक है। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। और दोस्तों, जब सोनू का वीडियो आया था उसमें वो बेचारी कुछ भी ड्रामा नहीं किया, बस क्लियर पॉइंट किया। और अभी जो है सोनू का तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, हॉस्पिटल में वो भर्ती है। ये सोनू इतना डिप्रेशन में है कि मत पूछो, मगर ये औरत हर चीज का मजे ले रही है। बस तलाक को लेकर 13 मिनट का वीडियो बना दिया था, तलाक को लेकर 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना दिया था, बस इतना बोल रही थी मुझे विकास जी का तू ले जा, मेरे बच्चे से अलग मत कर, पहला वीडियो में यही सब बोल रही थी। बेशरम घटिया औरत, एक तो एक औरत का तूने बसा बसाया घर बर्बाद किया, और सब लोग आप मुझे बोल रहे हो कि विकास जी को गलत क्यों नहीं बोलते हो, दोनों का जिंदगी बर्बाद किया। जी नहीं, विकास जी सिर्फ और सिर्फ एक औरत का जिंदगी बर्बाद किया, वो है पहली पत्नी सोनू का जिंदगी बर्बाद किया था, क्योंकि सोनू का होते हुए एक बच्चा का होते हुए भी वो बेशरम आदमी इससे अफेयर किया था, तो इसके साथ तो बिल्कुल भी, पिंकी के साथ तो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है, वो खुद अपने आप को कुएं में धकेली है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसी लगी वीडियो, अपना ओपिनियन हमें जरूर दीजिएगा।